हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर फूड टूर के लिए प्रीति के साथ, और रास्ते में रुके हैं इस जगह पे। इसका नाम है माँ लक्ष्मी स्वीट्स और इसका नाम है तरपोंगी। हाँ, तरपोंगी गांव में है ये माँ लक्ष्मी स्वीट्स, जो पिछले 40 साल से और रबड़ी यहाँ की बहुत फेमस है। और ये रबड़ी देखिए, बिल्कुल गाढ़ी रबड़ी, पूरी एक मलाई की परत है। जब आप दूध को ज़्यादा पकाते हैं हल्का नीचे लग जाता है। हाँ। वो जो फ्लेवर होता है, सौंधापन होता है, वो भी इसमें है। आग में भी पक रही है तो सब हल्का जो स्मोकी फ्लेवर जो है वो आ रहा है। और मिठाई परफेक्ट है, मतलब ओवरली स्वीट नहीं है, जितना होना चाहिए उतना ही है। बिल्कुल लच्छेदार रबड़ी है। चलिए, रबड़ी तो हो गई, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं बिलासपुर की ओर। अब समोसा बनाने की तैयारी हो रही है, तड़का तैयार हो रहा है, हैं? बेसन, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, हैं? साबुत धनिया, प्याज, अदरक, लहसुन, काफ़ी मसालेदार समोसा बनाते हैं। अब कसूरी मेथी, अरे आपका समोसा तो मतलब मन कर रहे हैं रुक के समोसा खा के ही, इतना भयंकर मसाला तैयार कर रहे हैं। ये है असल सिंघाड़ा, समोसा नहीं, सिंघाड़ा। अब समोसा बनने में तो थोड़ा टाइम है, हम लोग ये आलू ही खा के चलेंगे। सर बता रहे हैं दही के साथ खा सकते हैं ना, है? चलिए, इतना ज़बरदस्त मसालेदार मिक्स तैयार किया जा रहा है समोसे का, कितने तबीयत से बुनाई हो रही है इसकी। हाँ, एक घंटे में तो हम लोग बिलासपुर पहुँच जाएंगे, लेकिन है कि नहीं, बहुत मसालेदार है और बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मतलब ये असल मसाला है सिंघाड़े का, है? देखिए जो मसाला है ना, ये शहरों में नहीं मिलता, बहुत माइल्ड रहता है, माइल्ड रहता है, वो अच्छे से भूनते नहीं है, और खटबड़ी में ही रहता है। वो ज़रा सारा आलू, नमक, काली मिर्च कुछ डाल के बना देंगे, लेकिन ये जो है ये असल तड़का है। अब चलते हैं बिलासपुर, या टोन में अगर बोलें हाँ। तो चला चली बिलासपुर चला चली। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया। मतलब रबड़ी तो अच्छी थी, समोसे का मसाला ही बहुत स्वादिष्ट कोई, अरे नहीं, मसाला बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। चलिए सर, चला जाए, चलिए, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार। सब बने 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 आपके शॉप को कितना साल हो गया? ये 1945 से। क्या बात कर रहे हैं, आज़ादी के पहले से? हाँ, जब वो भाप वाली इंजन गाड़ी चलती थी ना, बस। जी जी, उस ज़माने से हमारे दुकान शुरुआत ऐसा हुआ, पान ठेला और पंचर बनाने का काम। हमारे दादाजी पंचर बनाते साइकिल का, यहाँ पर जंगल था पहले, तो यहाँ तीन रास्ता है, भाटापारा, बिलासपुर और मुंगेली जाने और रायपुर जाने, फिर इसका नाम तिगड्डा लिंतरा है। तिगड्डा है, तीन तो रास्ता है इसमें। अच्छा, तिगड्डा हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ तो पहले काला जामुन कढ़ाइया में बनता था, कढ़ाई में ऐसा बड़ा बड़ा। अच्छा, अब तो थोड़ा हो गया, ग्राहक नहीं है इसलिए। वहाँ पे हाईवे में ऐसे बना दीजिए निशान। हाँ। सब कि अंदर आइए, गुलाब जामुन अंदर है, यही दुकान है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, तब लोग धीरे धीरे आएंगे। मिलन होटल, मिलन होटल।
सब यहीं रुकते हैं। जी जी, पहले तो इतना भीड़ रहता था, रायपुर बिलासपुर के बीच में एक होटल था ये। बस और कोई था ही नहीं, मतलब प्लेट देना चम्मच प्लेट। बहुत बड़े छत्तीसगढ़ में दो बड़ा ही फेमस है, एक देहाती बड़ा बोलते हैं जो उड़द दाल करता है, और एक धमदरी का मूंग बड़ा, और एक ये प्याजी बड़ा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल खस्ता है। इसमें क्या है, पालक है, प्याज है, भाजी है, सब मिक्स है इसमें। चलिए सलून निकलते हैं। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपको, हमारे यहाँ पधारे आप। नहीं, बहुत अच्छा लगा, काला जामुन बहुत बढ़िया था, साथ में आपका प्याजी भी। प्याजी बड़ा। और ये कि हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि जो लोग रायपुर से बिलासपुर जा रहे हैं तो बीच में यहाँ पे अपना स्टॉप ओवर करते हुए नाश्ता खाना खाते हुए जा सकते हैं, वो भी अति उत्तम है। चलिए फिर, धन्यवाद। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। हाँ, मेरे को जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। हम लोग तूफ़ानी रफ्तार में मोर रायपुर से हमर बिलासपुर आ चुके हैं। अभी तूफ़ानी रफ्तार में हमारा वॉलेट गुम हुआ और तूफ़ानी रफ्तार में वॉलेट मिल भी गया, और अब आ चुके हैं हम तूफ़ानी लस्सी शॉप पे। दो ग्लास लस्सी दीजिए, तूफ़ानी लस्सी। और हम लोग फूड टूर शुरू करेंगे हमर बिलासपुर का तूफ़ानी अंदाज में तूफ़ानी लस्सी शॉप से। तूफ़ान की तरफ पियेंगे नहीं, राजा भी डाल दे रहे हैं। नहीं नहीं, जली उली नहीं, ये क्या है, पूरा भी नहीं, कुछ नहीं, ना ना ये भी नहीं, सिर्फ प्लेन दही की लस्सी। हाँ, रिफ्रेशिंग है, अच्छी लस्सी सा फ्लेवर आ रहा है। हाँ हाँ, और इतने गर्मी के मौसम में ठंडी लस्सी मिल जाए वो भी तूफानी, और क्या चाहिए। मैं हमको लगा कहीं लस्सी पी के तूफान उफान ना आ जाए। नहीं आएगा ना, अंदर में तूफान आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ सही सही। बहुत शानदार, बहुत अच्छी लस्सी लगी, और कितना किफ़ायती है, मात्र 10 रुपये में। हाँ बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया आपके शॉप को, कितना साल हो गया? 5-6 साल। यहीं पे, इसी जगह पे। इस इलाके का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? मंगला चौक। मंगला चौक, चलिए धन्यवाद। ये 75 साल पुरानी दुकान है, 1936 में खुली थी, और यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ है ये खोए की जलेबी। अच्छा, ये वही बुरहनपुर वाली है जो बुरहनपुर में आती है? बुरहानपुर वाली अलग ढंग से बनती है, ये अलग ढंग से बनती है, इसमें खोआ तिखुर मिला के बनाया जाता है। अच्छा, और जो बुरहानपुर वाली होती है उसमें तिखुर नहीं होता? तिखुर नहीं होता, उसमें मैदा मिलाते हैं खोए के साथ। वो ये है रबड़ी, और इसके नीचे है खोए की जलेबी। मतलब जलेबी कभी चम्मच से नहीं खाई, आज पहली बार खा रहा हूँ। और खोए की जलेबी रबड़ी के साथ, ये भी पहली बार है। लीजिए सर। ठंडी रबड़ी। सो तिखुर का इस्तेमाल पूरे साल करते हैं या ज़्यादातर गर्मी में होता है? पूरे साल चलता है। तिखुर डालने से इसमें थोड़ा सा एक अलग स्वाद आता है। तिखुर खोए की जलेबी की तिखुर वाली जलेबी की शुरुआत जबलपुर से हुई। जबलपुर में एक बर्गर स्वीट्स है, वो उस चीज से चलते हैं। मैंने कल और भी कहीं खाया, जगदलपुर में भी कहते हैं, व्रत में भी लोग खाते हैं इसको, हैं? और जो बुरहनपुर वाली है वो कहते हैं व्रत में नहीं खा सकते क्योंकि उसमें मैदा होता है। ठंडी रबड़ी है, और बिल्कुल इसका
टेक्सचर मुझे हल्का सा काला जामुन की तरह लगता है कि आप काला जामुन खा रहे हैं। काला जामुन गुलाब जामुन ही इसकी मतलब शुरुआत है। किसी ज़माने में जब गुलाब जामुन बनता रहा होगा, किसी के दिमाग में आया कि इसकी जलेबी बनाई जाए, तो एक कपड़े का लतना होता है, कपड़े का छेद जैसा रहता है, उसको लतना बोलते हैं, लतनी या लतना, उसमें डाल के और दबा के मारते हैं और इसको सीधे में डुबोते हैं। ये गोल बाजार है, पूरा सर्किल में है। ये 1928 में बना था। यहाँ उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री। वो दिल्ली गए थे, कनॉट प्लेस उन्होंने देखा था ऐसा गोल, तो वो अनुकृति उनके दिमाग में थी। तो ये तो पूरा श्मशान घाट था, यहाँ पे मुर्दे जलाए जाते थे। पुरानी बस्ती जीवनर वास्तु था जहाँ आप पहले थे, है? तो यहाँ पर उन्होंने ये पूरा सर्कुलर मार्केट बनाया, पूरा बाज़ार। एक ज़माना था कि इस गोल बाज़ार में हर चीज़ की दुकानें थी, सब्जी मिठाई जो चाहिए सब मिलेगा। अब तो जनरल स्टोर ज़्यादा हो गए, सब्जी की दुकानें एक दो बची हैं। यहाँ पर ये पूरी मिठाई लाइन थी, जो खादिम की जूते की दुकान है, ये पहले नीलकमल नाम की मिठाई की दुकान थी, श्रीवास रेडियो जो है कल्लमल मिठाई की दुकान थी, उसके बगल में किराना है वो कोहनूर मिठाई की दुकान थी, इधर शिवपुरी थी, ये सब मिठाइयों की दुकान लाइन थी। धीरे धीरे अब कम रह गई, अब पांडे जी हैं, पेंड्रा वाला है, ब्रिजवासी है, ब्रिजवासी भी ख़त्म, वो भी आजकल जनरल स्टोर में। अच्छा, आइए चलिए। 70 साल पहले एक सज्जन यहाँ बिलासपुर आए, उनका नाम था चिरंजी लाल खंडेलवाल, मथुरा से। और उन्होंने गुलजार में अपन जहाँ बाहर खड़े थे वहाँ पर एक चाट का ठेला लगाया, चाट बेचते थे। और धीरे से 5-7 साल बाद ये दुकान ली गई, तो उनके जो बड़े बेटे दशरथ प्रसाद खंडेलवाल थे उन्होंने इस दुकान को शुरू किया। और उनको वो मौसा जी थे यहाँ एक परिवार के, तो मौसा जी के नाम से ये दुकान चालू हुई। एक्चुअली मौसा जी मतलब मौसी के पति, मौसा जी, मौसी के पति, तो वो मौसा जी के नाम से दुकान चालू हुई। इस दुकान में दशरथ लाल जी बैठते थे, तो दशरथ लाल जी अब नहीं रहे, उनका देहावसान हो गया। तो दशरथ लाल जी जब यहाँ बैठते थे तो यहाँ चाट बनाते थे, समोसे में मटर डाल के, दही खटाई नमक मिर्ची डालकर इतना स्वादिष्ट बनाते थे कि सैकड़ों लोग यहाँ पर खाने के लिए रोज आते थे। ये मिक्सचर को बनाते थे उसी प्रकार, मतलब नमकीन मिक्सचर को। धीरे धीरे ये दुकान मतलब एक अच्छी नाश्ते की दुकान में कन्वर्ट हो गई। बिलासपुर की अकेली दुकान थी जहाँ नाश्ते के लिए दिन भर लोग आते थे और दिन भर भीड़ लगी रहती। फिर मिठाइयों का काम शुरू हुआ, तो नाश्ते का काम तो ऊपर चला गया। मिठाई में अभी बिलासपुर का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है। मैं छेने का भेजा अंदर में कच्चा गुल्ला और बादाम पिस्ता का भेज रहा था अंदर में मसाला। क्या बात है, ये जो मिठाई है ये है उत्तर प्रदेश की है, मलाई कलोरी, मलाई पान भी एक आता है जी, मलाई पान भी आता है, बादाम पिस्ता केसर। ये देखिए अंदर में ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग है और नारियल है। ये दूध को जैसे अपन भागे और एकदम जीरो हुआ। तो मलाई के अंदर में कच्चा गुल्ला है जी, और ड्राई फ्रूट्स है, कच्चे गुल्ले की स्टफिंग है। सुंदर मिठाई है, कोई खाए कि नहीं खाए आदमी उस सोच में पड़ जाता है, हैं? कि देखने के लिए इसको निहारें कि खाएं, हैं? नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मुंह जाके घुल गया। इस मिठाई है और सेकेंडरी वही ओवर स्वीट नहीं है। इसको बोलते हैं मिनी ब्रेड, मिनी ब्रेड। इसके अंदर लगा हुआ है बेसन का, टमाटर का लेयर लगा हुआ है इसके अंदर, टमाटर और आलू का, और उसका बेसन में डिप किया, फ्राई कर दिया, फ्राई कर दिया। हम वो सिर्फ चटनी उटनी में डालिएगा, सिर्फ ये दीजिए, सिंपल एक दे दीजिए जी, ये साधारण। हाँ
और कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये हमारी पुरानी बुजुर्गों, मतलब हमारे दादा चला रहे थे, हमारे पिताजी चलाए, अब हम लोग चला रहे हैं इसको। ये संस्था बहुत पुरानी, हमारे यहाँ नाश्ता ही चलता है ज़्यादा। जब नाश्ता आप बोलते हैं, मतलब समोसा कचौड़ी ये सारी चीज़ें हो गई? समोसा ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, मुंगौड़ी हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, ये सब नाश्ता है जी। सुबेरे खुलती हमारी दुकान है सुबेरे, और नाश्ता का कोई समय नहीं होता? नहीं नहीं, पूरा कंटिन्यू पूरे दिन नाश्ता कर सकते हैं। 8 बजे से 10 बजे रात तक चलती है हमारी दुकान। सुबेरे 8 बजे पोहा बनता है, पोहा से मटर से चालू होता है, फिर प्याजी बड़ा बनता है, फिर उसके बाद धीरे से आलू का आइटम आता है, समोसा बनता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू माल निकलते रहता है, दिन भर चलता है। चलिए दोपहर का समय, हम भी नाश्ता कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, थोड़ा तो टेस्ट कर लिया है। उन्होंने सुनने अंदर बताया कि टमाटर और आलू का मसाला बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। तो सर यहाँ पर तीन दुकानें हैं मिलती जुलती। नमस्कार जी। मेरे ख्याल से जो बीच वाली दुकान है यहाँ पर मिठाई मलाई के लड्डू बजरंगी के फेमस थे, फिर बाद में भाई लोग का हुआ तो उधर दुकान बन गई, इधर ये नई दुकान बन गई, तो यहाँ के मलाई के लड्डू बहुत फेमस है। मलाई के लड्डू के बारे में भाई साहब बताइए आप कि किस चीज़ से बनता है मलाई लड्डू? बेसिकली दूध का प्रोडक्ट है, उसको बना करके खोआ बनाया जाता है, खोए से फिर उसको जब जितनी ज़रूरत होती है उसमें फिर उसको मलाई लड्डू बनाया। तो खोए में क्या मिलाते हैं? खोए में शक्कर, इलायची का पाउडर। शक्कर कौन से? टेस्ट के लिए शक्कर, नॉर्मल जो शक्कर होती है, चीनी, चीनी जो नॉर्मल होती है, और इलायची का पाउडर बारीक पीस कर मिलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल शक्कर जब खोआ बनने के प्रोसेस पे ही उसको डाल दिया जाता है, साथ में घुल जाए। हाँ, पहले तो मलाई के लड्डू जब बनता था वो बाद में जब उसको बनाना फाइनल करते हैं ना, तब वो ऊपर से उसको लपेटा जाता है, रवा को ऊपर में बाद में लगाते हैं। रवा लगाते हैं, बूढ़ा बूढ़ा शक्कर पहले मिक्स करते हैं, बूढ़ा शक्कर बाद में लगता है, बाद में, बाद में। अच्छा, जब ये खोए से बनता है तो इसको मलाई लड्डू क्यों बोलते हैं? मलाई नहीं, नहीं, नहीं है, बेसिकली मिल्क का प्रोडक्ट है, पर मलाई तो नहीं है ना? नहीं है, तो मिल्क का प्रोडक्ट है। मैं भी वही जा रहा हूँ, बड़ा सोचा कि मलाई वलाई होगी, लड्डू होगा उसका। वो बहुत पुराना, हमारी छह पीढ़ी हम लोग होगा इस दुकान में यार, तो जब का नाम दिया हुआ है वो फॉलो हो रहा है और वही रेसिपी चल रहा है, रेसिपी वही है। पहले होता था कि जब लकड़ी और कोयले की भट्टियाँ होती थी तो उसमें बनता था, आजकल सब बायोफ्यूल्स आ गए उसमें बनता है, और उसमें गुलाब जल टेस्ट ही डालता है, इलायची का पाउडर डालता है। एक लड्डू आप टेस्ट करेंगे, आप समझिए कि जब मलाई के लड्डू मेरी दुकान में बनता था पेंड्रा वाला में, तो बूढ़ा शक्कर मिक्स करते थे, कच्ची शक्कर मिक्स नहीं करते थे, बूढ़ा शक्कर और केवड़ा, केवड़ा का केवड़ा ओरिजिनल डलता था। अब आजकल केवड़ा ख़त्म हो गया, आजकल गुलाब कैसे गुलाब लगता है, ये गुलाब है, खाते ही सबसे पहले गुलाब का ही टेस्ट आया है, बहुत सॉफ्ट। आप भी मीठे के शौकीन हैं? पानी की डायबिटीज बिल्कुल थोड़ी सी है, ऐसा सावधानी है, प्राइमरी स्टेज में है, इस टाइम में अवॉइड करता हूँ। सही है, बढ़िया लड्डू, अच्छा है, मतलब बिल्कुल मुँह जाके घुल गया। हाँ, थैंक यू। रसोई वेज, सर जब तक हमारा खाना आ रहा है हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में? जी, मेरी उम्र 73 वर्ष है, 73, पर स्टिल यंग, 37 से ज़्यादा मैं अपने आप को महसूस नहीं करता, घुटने में थोड़ी तकलीफ है, इस कारण चलने में प्रॉब्लम है, अदरवाइज ठीक हूँ। बचपन से व्यापार किया और अभी भी व्यापार कर रहा हूँ। इस बीच 7 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं, 3 खंड आत्मकथा के हैं, 1 यात्रा वृत्तांत है, 1 उपन्यास है, 1 लेख संग्रह है और 1 कथा संग्रह है। ऐसी 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी 7 साल में,
आठवें साल में एक कहानी संग्रह नया तैयार हो रहा है, हर साल एक किताब आ रही है। ये है दाल है अरहर की, उसके बाद फिर ये है रायता, ये है गोभी और मटर की सब्जी, इधर है हमारे पास पनीर और तवे की रोटी और मिस्सी रोटी। तो आपने कहा समय कैसे मिलता है? दिन में 24 घंटे रहते हैं, 8 घंटे इंसान सोता है, उसका 16 घंटे रहते हैं, 16 घंटे में वो एक घंटे भी रचना का काम के लिए अगर नहीं निकाल सकता तो उस आदमी का टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है। मेरे पास मुझे मैं रोज 1.5-2 घंटे में एक योग प्राणायाम में लगता है, 5 किलोमीटर रोज सुबह साइकिलिंग करता हूँ, बच्चों को पत्नी को समय देता हूँ, बच्चों से बातचीत करता हूँ, होटल में बैठता हूँ, लिखता हूँ, सब काम करता हूँ, भाषण देने जाता हूँ, मैं बिहेवियरल मैनेजमेंट का ट्रेनर रहा हूँ, 30 साल मैंने वो काम भी किया है, तो समय मेरे पास खाली बहुत है। हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हैं? टाइम मैनेजमेंट बहुत खाली समय है और एक एक आपको यहाँ पे एक एक जगह के बारे में इतना डिटेल्ड पता है, हैं? जितनी भी जगहों पे हम लोग गए, मिठाई की दुकानों पे, किसने शुरू किया, पहले ओनर कौन थे, उनके बच्चे कौन थे, इतनी ब्रीफ हिस्ट्री। मतलब इस रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, इसका किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त महेश चौकसे 9th क्लास तक मेरे साथ पढ़ा, उसके बाद घर में गरीबी होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया, गरीबी इतनी कि 6 आने फीस महीने की नहीं ले पा रहा था, 6 आने कुल महीने की फीस और पढ़ाई। तो उसके पिताजी ने यहीं पर चौक में एक पान का ठेला लिया और उसको पान दुकान में बैठा दिया। ये लोग 4 भाई थे, उस पान ठेले से किस्सा शुरू हुआ तो एक गन्ने की रस की दुकान खुली, गन्ने की रस की छोटी सी दुकान से फिर एक छोटा सा महेश स्वीट शुरू हुआ, महेश की दुकान शुरू हुई, वहाँ समोसे आलू गुंडा चाय मिलती थी, उसके बाद वो बड़ा रेस्टोरेंट बन गया, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी रेस्टोरेंट बना, उसके बाद ये बना, ये होटल बना। वो उसी महेश का कमाल है और उन 4 भाइयों का कमाल है जो आज इतनी बड़ी जगह में आप बैठे हुए हैं, पान की दुकान चलाता था। मेरा कथा संग्रह है याद किया दिल में, उसमें महेश चौकसी की पूरी कहानी है, मैं आपको अभी भेंट करने वाला हूँ, आप पढ़िएगा इसकी शुरुआत। फूड हिस्ट्री की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए पीपल हिस्ट्री की, जो लोग जिन्होंने दुकानें शुरू की, कैसे संघर्ष रहा उनका, कहाँ से आए, कैसे आके बसे, ये जानना ज़रूरी है, उसके साथ साथ अपना फूड हिस्ट्री भी हो ही जाता है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। पनीर भी बहुत स्वादिष्ट है, ये तो थाली खाने का मज़ा है, मतलब एक थाली लीजिए कई डिशेज मिल जाते हैं, हैं? अन्ना इंडिविजुअल आप एक दाल रोटी मंगा के रह जाते हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल गई, सबने शेयर भी कर लिया, ये होता है खाना कि मजबूर कर दे कि और खाओ। ये है जीरा राइस, ना देखिए क्या पैक करा के ले जा रहा हूँ मैं, सौंफ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें मगज भी है और कुछ मसाला मिला है। जी सर, रजवाड़ा सौंफ बोलते हैं इसको, रजवाड़ा सौंफ। जी सर, रजवाड़ा सौंफ सर, भुना हुआ, भुना हुआ 40 रुपये का पैकेट, कहाँ मिलता है? चलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद।
साहब की कहानी सुनी है मैंने जीरो से हीरो की। हम लोग बचपन से साथ पढ़े हैं, नौवीं क्लास तक साथ पढ़े। नौवीं क्लास में पैसे की तंगी की वजह से इसने पढ़ाई छोड़ी थी और आज इतना बड़ा साम्राज्य। अभी हम लोग रसोई में खाना खाने गए, वहाँ मैंने बताया कि मैं मूल व्यक्ति से मिलवाता हूँ जिस व्यक्ति से। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा लगा आप वहाँ से यहाँ हमारे लिए बताइए। जो प्रेम प्यार इन छोटे शहरों में ना, वो बड़े शहरों में नहीं है, वहाँ भागम भाग है बस। मिठाई देखिए, यहाँ पे वही काजू बाइट, काजू संगम, ड्राई फ्रूट बर्फी, अंजीर बर्फी, काला जाम और फिर खोए की मिठाइयाँ। ये है काजू चॉकलेट, काजू चॉकलेट बाइट, और ये है काजू मेगा बाइट, मैंगो बाइट, ऐसे मैंगो भी है। सो क्या ये सोन पापड़ी की तरह? और घी में बना हुआ सब इधर काम नहीं, पूरा घी का। दही बड़ा, सांभर बड़ा, मसाला डोसा। यहाँ डोसा को डोसा बोलते हैं, डोसा मसाला डोसा, वो वाला जो बनाते हैं छीट के। कांदा बड़ा कलाम सर, वो कांदा बड़ा है ना सर, है एक पीस वो और एक। ठीक है ना सर, ये ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। एक ऐसा है क्या, ठीक है ना? ये मैं दो पकड़े हैं बहुत जगहों पे, तीसरा करो ठीक है ना, ऐसा है क्या? ऐसा है ना, ठीक है ना, आप आ जाएंगे उधर, ठीक है ना, आ जाएंगे, ऐसा है क्या? ये कांदा बड़ा है, ये कांदा। बेसिकली प्याज ज़्यादा मात्रा में, आलू हल्के मात्रा में, खूब सारे लहसुन के साथ, मसालों के साथ, बेसन में लपेट के तल दिया। अंदर भी बेसन है। अच्छा सही। ये है डोसा, ये चटनी का है कि है सर? एक कड़ी वाला सर, अपने बहुत फेमस है। कड़ी का चटनी है, कड़ी मतलब बेसन का, बेसन और दही का। अच्छा, ये अपना सांभर, ये दही और नारियल की चटनी। सही कह रहे थे, लेकिन लग रहा है ऐसे कि रवा डोसा है, लेकिन रवा डोसा नहीं है। यहाँ बोलते हैं कि चीला जैसे, ये चावल से बन गए, जबकि हम लोग देखते हैं रवा डोसा तो ऐसे ही दिखता है। और मसाला यहीं आके सीखा मैंने सर कि कड़ी पत्ता को मीठा नहीं बोलते। मीठा नहीं बोलते। हाँ ये सर, मुझे तो प्लेन डोसा ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो बिल्कुल इन्होंने पूरा एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म मेंटेन किया हुआ है, अभी है चाहे टेबल टॉप हो या चेयर्स हो या फिर इनके बनाने का तरीका हो, है रवा नहीं है फिर भी वो रवा जैसे ही टेक्सचर है। हाँ संतोष पटेल जी, बताइए आप रीवा के रहने वाले हैं? क्या मैं पाला पोसा इलाहाबाद में, वहाँ पूरी उम्र में जब तक रहा थी इलाहाबाद में रहा, मेरा तो जन्म स्थान रीवा का है। लेकिन रहे इलाहाबाद में? रहा इलाहाबाद में, तो वहाँ चार्ट का काम वहीं सीखे? वहीं सीखा हूँ। यहाँ कितने साल हो गए? यहाँ हो गया 32 साल। 32 साल से दुकान है आपकी? क्या बात है, क्या क्या आइटम है आपके पास? हमारे पास सर टमाटर चाट है, टिकिया चाट, समोसा चाट, कचौड़ी चाट, खट्टा चाट, कटोरी चाट, एकदम पूरा यूपी टेस्ट है ना इसमें, है स्वाद सर अलग 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 है।
आप खाइए। तभी क्या बना रहे? टिक्की चाट बना रहे हैं। शुद्ध देसी घी का है। हाँ तुम देखे खुशबू आ गया था, घुसते दुकान है पहले खुशबू देसी घी का आया। इसमें मसालों में क्या क्या डालते हैं? मटर आलू, मटर आलू प्याज। जायका लिया जाए इलाहाबाद चाट भंडार पे गुपचुप का, जिसे इलाहाबाद में फुल्की कहते हैं यहाँ पे गुपचुप कहा जाता है। ये अलग स्टाइल में मैंने लिया है, इसमें आलू नहीं है, इसमें मटर है और फिर गोलगप्पे का पानी है। बस और वो भी दोने में सरगी पत्तल में, पत्तल में मतलब इसको बोलते हैं ना सरगी का पत्ता, साल का पत्ता। अमचूर का खट्टा पानी बहुत बढ़िया और ये सूखा पुचका ये भी मस्त है। अगर गुपचुप खाने के बाद लास्ट में से खत्म नहीं किया तो फिर कोर्स कंप्लीट नहीं होता। कोर्स कंप्लीट कहीं नहीं, सूखा पुस्ता खाना। जबरदस्त, बहुत ही उम्दा। आपका पेट भरा होगा तो भी आपको खाने का मन होगा। सुबह से ये हो रहा है सर। जो चाट यूपी के लोग बनाते हैं वो पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता। जो कला है चाट बनाने की, खासकर आपका बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद इस तरफ के लोग बहुत उम्दा चाट बनाते हैं। धन्यवाद, चाट बहुत बढ़िया लगी आपकी। अरे इतना बढ़िया चाट खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एकदम इलाहाबाद का जायका बिलासपुर में क्या। चलिए सर धन्यवाद। अशोक जी ने बनाया है चिकन टिकिया और चिकन कबाब। आप अच्छा बनाया तो ठीक हो गए। तो ये दुकान है बख्तावर भाई की, हाँ बख्तावर भाई की पेशकश, होटल 786। इन्होंने सेंट चौक में एक छोटा सा काउंटर लगाया था, लोहे का काउंटर, वहाँ से शुरू किया था। कहाँ पे? अग्रसेन चौक में। अग्रसेन चौक पर रेस्टोरेंट, हाँ इनके नाना जी बता रहे थे। उनसे पूछा मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए कोई जगह बताइए, उन्होंने दो जगह बताई हमें, एक 786 और एक मद्रासी होटल। उन्होंने कहा मैं बिरयानी मद्रासी होटल में ही खाने जाता हूँ और स्नैक्स आइटम्स के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ 786 में। तो हमने कहा कि नहीं हम भी बिलासपुर में खा के जाएंगे यहाँ पर, और अच्छा लगा कबाब, हालांकि मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। ये भी ठीक है, 20 रुपये में इंसान क्या देगा, मुर्गा भी दे रहा है, अंडा भी डाल रहा है, बेसन भी लगा रहा है, एक अंडे की कीमत 5 रुपये 10 रुपये की होती है, चल भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, कुछ कमाएगा भी खाएगा भी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है, है? अच्छा अशोक जी जी सर शुक्रिया, बहुत बढ़िया खिलाया आप।
चिकन में नमक थोड़ा कम लगा, बाकी बिरयानी अच्छी है, बहुत ही लाइट है और ग्रीजी नहीं है, चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, हल्के मसाले हैं और फ्लेवरफुल है, है? बस थोड़ा चिकन में नमक होना चाहिए, चिकन थोड़ा नमक कम लगा, तो ये सही है कि साथ में सालन दिया है तो मिला के काम हो जाता है। तो ये आपका रेस्टोरेंट 1943 से है, क्योंकि तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागपुर में पहले नाश्ता पानी का था, फिर रायपुर में 6 ब्रांचेस हैं, 2 यहाँ हैं और आगे भी हर डिस्ट्रिक्ट पे एक ब्रांच डालने का चल रहा है छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ और भी अदर जैसे मांग आ रही है फ्रेंचाइजी की भी है, तो हम लोग अभी इसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फ्रेंचाइजी देना नहीं देना। इसका नाम मद्रासी क्यों है? एक्चुअली मद्रासी हमारे जो फ्रेंड्स जो मेन पार्टनर है जो हमारे वो तमिलनाडु के ही है, वो जोलारपेट के पास में त्रिपतुर है वहाँ के, इसलिए हमने रेस्टोरेंट का नाम रखा मद्रासी होटल। पहले क्या था कि कोई भी बोलता था क्या है वो अन्ना क्या है मद्रासी में, मद्रासी स्टेशन तो मद्रासी चले गया, तो मद्रासी रेस्टोरेंट के नाम से चले गए। मुझे बड़ा मन था कि वो मुर्ग मसल्लम भी खाएं और पोटली चिकन करी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मुर्ग मसल्लम का आर्डर बनने वाला है। अच्छा हाँ एक आर्डर है ये रहे सर, इन्होंने रिकमेंड किया है। हाँ आपके रिकमेंडेशन में बिरयानी खाई हमने यहाँ पे, आपका बहुत धन्यवाद, खा लिया खा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को मंगा लेते नहीं माने मुर्ग मसल्लम आप खाएंगे? हाँ खा लेंगे। चलिए तो हाफ लगा दीजिए, एक पीस साथ में खा लेंगे बैठे, दाएं दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, चलिए बैठते हैं। मैंने जो मसलम खाया उसमें तो वो पूरा बांध के बनाते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो अभी तुरंत बनाना है ना, तो ये हम लोग जो पीस ऑलरेडी बना रहता है उसी की ग्रेवी और रहेगा सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उसका पीस रेडी रहता है और जो आप फोरन वही पनीर रेडी हो रहा है, चलिए आपको दिखा देता हूँ, आइए देखते हैं। चलिए ये पूरा फ्राइड किए हुए हैं, फ्राई कर दिए हैं पूरा, और इसके अंदर में डालते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह, पूरा रेडी कर दिए ये जो है ना धागा से सील के रेडी करते हैं। हाँ वही वही वैसे बनाते हैं, क्या बात। अच्छा हुआ, अगर हम बिना खाए चले जाते तो अफसोस होता, और नान भी अच्छा है। अब सर फट जाऊंगा मैं। ठीक है सर, शुक्रिया। मैं तो आता रहूँगा यार। नहीं बिल्कुल और हर बार की तरह इस बार भी हमारा बिलासपुर के जायके का सफ़र समाप्त हो रहा है, हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ, तब तक कीप वॉकिंग कीप एक्सप्लोरिंग।